अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आप सबका क्या हाल है उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे सेहत और तंदरुस्ती के साथ सलामत रखे आमीन जी बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम सबक नंबर दो हम पढ़ रहे हैं हमद में हमारा है मेरा हुदा। आज हम इस सबक का सवाल नंबर तीन करेंगे क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दे रखी है कोई सी चंद नेमतों के बारे में मुझे बताएं कौन बताएगा जी हाँ कोई सी चंद के नाम बताएं मुझे जी बोलें सूरज चाँद तारे बादल आसमान जमीन बारिश बादल दरिया दरख्त फल फूल सब्जियाँ हवा, पानी शाबाश।, शाबाश बेटा आपने तो बहुत अच्छे से अल्लाह ताला की नेमतों के नाम बताए हैं प्यारे बच्चों इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं जिनका हम जिक्र करने लगे तो हम थक जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं, फिर भी हम गिन नहीं सकते अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए जी बच्चों, हमने सबक मेरा खुदा में क्या किया है कौन से सवाल किए हैं? खास सवालत के जवाबात आप सब बच्चों ने सवालत के जवाब अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं शाबाश और सब ने याद भी कर लिए हैं शाबाश जी बच्चों कल हमने कौन सा सवाल किया था जुमले बनाए शाबाश तो आप सब बच्चों ने अल्फाज के जुमले बना लिए हैं और याद भी किए हैं इस काम को लिखना भी है अच्छा जी आप सब ने काम लिख भी लिया है शाबाश प्यारे बच्चों आज हम इस सबक का सवाल नंबर तीन करेंगे कौन सा सवाल करेंगे सवाल नंबर तीन आप सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक खोलें। हमारे आज के सवाल का उनवान है मिसरे मुकम्मल करें क्या नाम है सवाल का मिसरे के अशार मुकम्मल करें ठीक है बच्चों पहले आपने तारीख लिखनी है आज क्या तारीख है उन्नीस अप्रैल 2021 जमात का काम दिन है आज पीर आज क्या दिन है पीर सबक नंबर दो हम सवाल नंबर तीन है मिसरे मुकम्मल करें यानी के अशार मुकम्मल करें आप इसे खाली जगह पुर भी कह सकते हैं ठीक है बच्चों तो नंबर एक पे क्या लिखा है कौन पढ़ेगा जी हाँ पढ़ें जिसने डैश दुनिया जिसने डैश दुनिया कौन बताएगा कि डैश में क्या लगेगा बनाई शाबाश चले अब आप, आप इस लाइन को पढ़कर सुनाए मुझे जिसने बनाई दुनिया फिर बोले जिसने बनाई दुनिया अच्छा जी नंबर दो पे क्या लिखा है कौन पढ़ेगा जिसने डैश दुनिया जिसने डैश दुनिया कौन बताएगा कि डैश में क्या लगेगा बसाई शाबाश जिसने बसाई दुनिया शाबाश देखें ये एक शेर बन जाता है जिसने बनाई दुनिया जिसने बसाई दुनिया शाबाश नंबर तीन पे पढ़े क्या लिखा है डैश को रोशनी दी बोले डैश को रोशनी दी प्यारे बच्चों इस नज में आपने पढ़ा है किस चीज को रोशनी दी अल्लाह ताला ने कौन बताएगा सूरज को शाबाश अल्लाह ताला ने सूरज को के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी पैदा की है वो सारा दिन हमें रोशनी देता है चलिए आप पढ़ें सूरज को रोशनी दी फिर बोले सूरज को रोशनी दी शाबाश नंबर चार पे पढ़े क्या लिखा है हाँ वो मेरा डैश है हाँ वो मेरा डैश है प्यारे बच्चों डैश में क्या लगेगा कौन बताएगा खुदा शाबाश हाँ वो मेरा खुदा है सब बोले हाँ वो मेरा खुदा है प्यारे बच्चों इस नजम में देखें आप कि अल्लाह ताला की तारीफ बयां की जा रही है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है फिर इस दुनिया को बसाया है बसाया है यानी कि आबाद किया है किससे इंसानों से, से जानदार चीजों से और इनके लिए रौनक पैदा की है सूरज चांद बादल बारिश हवा पानी पहाड़ फल फूल सब्जियां और बहुत सारी बेशुमार नेमतें पैदा करके अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बसाया है ठीक है और सूरज को अल्लाह ताला ने रोशनी दी है हाँ वो मेरा खुदा है हाँ वो मेरा रब है जिसने ये सारी दुनिया आबाद की है और कोई इस दुनिया को नहीं चला सकता सिर्फ मेरे रब के हुक्म से ये दुनिया चलती है उसके हुक्म से इस दुनिया का निज़ाम चलता है हाँ वो मेरा खुदा है मेरा खुदा सबसे बड़ा है शाबाश आप सब बच्चों ने इस सबक को अपनी उर्दू की नोटबुक पर लिखना है और इसे अच्छे से याद करना है ठीक है बच्चों हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है अगले नए सबक के साथ इनशाला मिलेंगे अपना ख्याल रखें खुश रहें अल्लाह हाफिज